संगठनों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। मुरादाबाद के हिंदू संगठनों से जुड़े दो दर्जन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हुए मुकदमे के खिलाफ आज सर्वदलीय हिंदू संगठनों ने जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर मार्च निकाला और डीएम को एक ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। हिंदू संगठनों से जुड़े कई दर्जन कार्यकर्ता आज मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए। ये कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में जमा हुए और वहाँ से एक जुलूस की शक्ल में सड़क पर मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ चल दिए। ये लोग मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। सड़क पर भगवाधारियों द्वारा निकाले जा रहा मार्च ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल मामला 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से शुरू होने के बाद आज फिर से सड़क पर आ गया है। आपको बता दें कि एक हिंदू युवती द्वारा मुस्लिम युवक से शादी करने के बाद हिंदू संगठनों ने इसे धर्म परिवर्तन और हिंदू आस्था को ठेस लगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, जिसमें पुलिस ने 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पाबंद भी किया था। और उसके बाद उसी मामले में एक प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान की गई भड़काऊ बयानबाजी के तहत विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष सहित 21 कार्यकर्ताओं पर 295(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके विरोध में आज सभी हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और डीएम मुरादाबाद को एक ज्ञापन सौंपते हुए मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। रोहन भाई, आज जो प्रदर्शन किया है किसने किया? आज समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा मुरादाबाद जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सभी लोगों का कहना है कि 14 तारीख को जो घटना मुरादाबाद में हुई वो प्रायोजित घटना थी। जब एक लड़की आज से 7 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन चुकी है, उसने क्यों अपना नाम हिंदू रखकर कार्ड छपवाया और दावत वलीमा दिया? क्या जब अगर वो इतने साल पहले परिवर्तित हो चुकी थी तो सिर्फ हिंदू समाज को भड़काने के लिए, शहर का माहौल खराब करने के लिए ये आयोजन किया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाकर बिना दरी के जमीन पर बैठा ला गया। कार्यकर्ताओं के साथ और नगर संत पूज्य संत रामदास जी के साथ मारपीट अभद्रता की गई। क्या हिंदू समाज के अंदर अब यही दिन देखने रह गए थे? हिंदू समाज अगर आंदोलन करता है, कोई धरना प्रदर्शन देता है, तो उनके कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से मारा जाएगा? इसी विषय को लेकर आज डीएम साहब से वार्ता करी गई है। जो 60 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो अविलंब वापस लिए जाएं और जो भी इस घटना में दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही मांगों को लेकर आज ज्ञापन सारे हिंदू संगठनों ने मिलकर दिया था। हम सपोर्ट हिंदुत्व का करते हैं, किसी राजनीतिक दल का नहीं करते, और हम हिंदुत्व के सपोर्टर हैं, किसी सरकार के सपोर्टर नहीं है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। कार्यक्रम आपके द्वारा भी कराया गया था, उसमें भी यही था जो आपने प्रक्रिया दोहराई है। अभी हमने स्पष्ट करा है कि अगर हमने भी उसको भी स्वीकार करा था, अगर वो मानसिकता सही होती, हमने किसी को उकसाने की मानसिकता से कोई कार्यक्रम नहीं करा था। अगर आपके द्वारा ही ऐसा कुछ गलत करा जाएगा तो समाज प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। कानून के दायरे में आप भी कीजिए, कानून के दायरे में हम भी कर रहे हैं। अगर मुकदमे वापस नहीं होते आगे क्या करेंगे? मुकदमे वापस नहीं होंगे तो तय करेगा हिंदू समाज क्या करना। हिंदू समाज पीछे नहीं रहेगा, हिंदू समाज आंदोलन की नीति बनाएगा, रणनीति तैयार करके आगे कार्यक्रम करेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी कट्टर हिंदूवादी नेता। सर एक प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन डीएम को दिया गया, किस मसले में किया? आज सारे हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि 7 साल पहले एक लड़की अपना नाम बदल लेती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है, उसके बाद हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए 14 फरवरी को ये कार्यक्रम किया जाता है। हिंदू सौंदर्य को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है और फर्जी मुकदमे लिखवाए जाते हैं हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ और उनके साथ अभद्रता व मारपीट सीओ साहब करते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। सर ये जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आपके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था जी, और उसमें भी वही चीज़ थी जो आपने अब दोहराई है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमने जो किया हमने कानून के दायरे में किया, उन्होंने कानून का उल्लंघन करके कार्य किया है।
हमने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया, हमने रिसेप्शन लिखा है, हमने शादी नहीं लिखी है। तो उन्होंने लेकिन जिस तरीके से 7 साल पहले अपना नाम बदल लिया था, उसके बाद कानून को तोड़ने का काम किया और हिंदू भावनाओं को भड़काने का कार्य किया, ये हिंदू संगठन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज? 60 लोगों पर। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं ये 60 मुकदमे जो हुए थे वो लोग वापसी लिए जाएँ और जिन अधिकारियों ने मारपीट करी थी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाना चाहिए। संगठनों का समर्थन रहा? सारे ही संगठन हैं, हिंदू समाज पार्टी, शिवसेना, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू शक्ति महासंघ और आपका गौरक्षा दल और संत समाज, सारे संगठन हैं। शासन ये मुकदमे वापस नहीं लेता है तो हिंदू संगठन क्या कदम उठाए? देखिए, आज एक छोटी सी चिंगारी लगाई है, ये तो जगहों से चला आ रहा है कि हिंदू संगठन ही आगे आते हैं। अगर इन मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो हिंदू संगठन सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा।